तो आदाब नमस्कार गुड इवनिंग सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज ट्यूसडे को दिल्ली की एक कोर्ट साकेत कोर्ट, वहाँ पर आफ्ताब पूनावाला तिहाड़ जेल में जो बंद है पिछले करीब 6 महीने से उसे लाया गया। कोर्ट में आज पेशी इसलिए थी कि जनवरी में दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट के अंदर। चार्जशीट मतलब आरोप पत्र, जिसमें पूरी कहानी थी कि आफ्ताब ने कैसे श्रद्धा को मारा, फिर कत्ल के करने के बाद लाश के टुकड़े किए, फिर उन्हें कहां कहां छुपाया, कैसे सबूत को मिटाया। तो उसी चार्जशीट पर अब कोर्ट को आज चार्जेस फ्रेम करने थे, यानी आरोप तय करने थे। कानून में दो चीज़ें होती हैं, एक जब पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है तो अलग अलग सेक्शन लगाती है कत्ल के, सबूत मिटाने के, साजिश के। तो चार्जशीट पुलिस जो दाखिल करती है किसी इंसिडेंट के 90 दिन के अंदर अंदर, ज़रूरी है कि उस पूरी की पूरी चार्जशीट को उठाकर अदालत उसको एग्री कर ले, उसको मान ले, और उसके बाद मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो। मुकदमा शुरू होने से पहले चार्जशीट जब दाखिल होती है तो फिर कोर्ट जो जज साहब है वो उस चार्जेस को पढ़ते हैं, पूरी कहानी को पढ़ते हैं, उसमें क्या क्या प्रूफ सबूत दिल्ली पुलिस के पास है ये भी लिख के बताती है कोर्ट को। तो उन सबूतों को, गवाहों को, बयानों को, और जो पुलिस ने धाराएँ लगाई हैं, सेक्शन लगाई हैं, उन सब चीज़ों को मैच करती है। फिर अगर अदालत को लगता है कि नहीं, पुलिस की चार्जशीट सच्ची है, अच्छी है, सबूतों के साथ है, तो फिर जितने भी सेक्शन हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, अब इस पर मुकदमा चलेगा। और अगर लगता है कि नहीं, इसमें पुलिस ने ज्यादती की है, इतने मामला तो बनता भी नहीं है, ज़बरदस्ती का लाद दिया है, तो वो उन चार्जेस को हटा देती है। तो चार्जशीट दाखिल की थी जनवरी में, आज चार्जेस फ्रेम होने थे। अदालत बैठी, आफ्ताब पूनावाला को पहले तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए लाया जाता था क्योंकि उसकी जान को ख़तरा था, लेकिन आज साकेत कोर्ट में उसको पेश किया गया। वो कोर्ट में आया, बैठा, जज साहब ने उसको बाकायदा चार्जेस जो फ्रेम किए चार्जशीट के आधार पर वो सुनाना शुरू किया और कहा कि तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम है कि तुमने श्रद्धा का कत्ल किया है, कत्ल के बाद तुमने लाश के टुकड़े किए, उसके बाद मई से लेकर अक्टूबर नवम्बर तक तुमने उन टुकड़ों को अलग अलग जगह दिल्ली और गुरुग्राम में ठिकाने लगाए। तो इन सारी चार्जेस को देखते हुए दिल्ली पुलिस के दो सेक्शन के तहत तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाऊंगा, और ये दो सेक्शन है आईपीसी 302 यानी कत्ल का मामला, और दूसरा आईपीसी 201 यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ या सबूतों को मिटाना। ये यहाँ पे इसलिए लगाया 201 क्योंकि उसने कत्ल के बाद लाश के टुकड़े इधर उधर छुपाने की कोशिश की थी। तो इन दो धाराओं के तहत तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलेगा, जज साहब ने आफ्ताब पूनावाला को कहा, कत्ल का और सबूत मिटाने का। फिर पूछा आफ्ताब से कि तुम्हें कुछ कहना है, उन्होंने पूरी चार्जेस फ्रेम की बताई। इसके बाद आफ्ताब ने जब पहली बार आज अदालत में अपना मुंह खोला तो जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से कुछ हैरान थे और कुछ को मालूम था कि शायद आज ऐसा ही होगा। पहली बार अपनी गिरफ्तारी के 6 महीने के बाद अदालत के सामने आफ्ताब पूनावाला ने, जब आज जज साहब ने कहा कि तुम्हारे ऊपर ये दो इल्ज़ाम हैं और तुमने किया है, तुम्हें कुछ कहना है, तो सीधे सीधे श्रद्धा के कत्ल की बात से ही मुकर गया। उसने कहा, ये इल्ज़ाम मैं नहीं मानता और मैं इनकार करता हूँ कि मैंने श्रद्धा का कत्ल किया या उसके लाश के टुकड़े किया या उन टुकड़ों को छुपाया या सबूत मिटाया, और मैं न सिर्फ इनकार कर रहा हूँ बल्कि मैं इस ट्रायल या मुकदमे का सामना करूंगा अपने वकील के ज़रिए और ये मुकदमा लड़ूंगा और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करूंगा। अब तक पिछले 6 महीने में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा के कत्ल की बात को उसने ना माना, कभी इनकार नहीं किया। चाहे वो पुलिस कस्टडी के दौरान जब पुलिस हिरासत में पूछताछ हुई उसने पूरी कहानी सुनाई, इसके बाद चाहे उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ, नार्को हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई, उसने हर जगह माना और हर जगह यही कहा कि मैंने श्रद्धा को मारा, मैंने ये इस वजह से मारा, मैंने इस तरह से लाश के टुकड़े किए, इन हथियारों से किए, यहाँ यहाँ छुपाया। और आज वो पहली बार मुकरा, हालांकि उसके मुकरने से इस मुकदमे पर बहुत असर पड़ेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, ये सारी चीज़ें आपके सामने अब सिलसिलेवार रखूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका पूरा कबूलनामा जो उसने दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हिरासत में दिया, वो पूरी कहानी
जो उसने सुनाई, वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ूं उससे पहले आपको फिर वही जानकारी, कुकू एफएम, और इसी कुकू एफएम ऑडियो बुक में कहानी है, वो है आरुषि तलवार की। आप लोग जानते हैं इस मर्डर केस को, आरुषि तलवार द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर। मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर इसलिए है कि आज भी ये पता नहीं है कि आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है। तो इस मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस यानी आरुषि तलवार द मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस कुकू एफएम ऑडियो बुक पर मौजूद, इसे ज़रूर सुनिए। और ये जो कुकू एफएम ऐप है, ये ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, देश का बेस्ट है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर है, और यहाँ हर महीने लगभग 4200 आवर्स के कंटेंट के साथ ये लगातार इनकी जो खजाना है वो बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में भी सुन सकते हैं, अलग अलग भाषा में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम ऑडियो बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए खास एक ऑफर है, कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 30% डिस्काउंट है, यानी 30%, यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 69 रुपये में, 69 रुपीज़ में आपको 10,000 ऑडियो बुक का एक ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड है Crime30, और बस इस Crime30 का इस्तेमाल करें और पहले महीने के लिए 30% डिस्काउंट पाएं, यानी कि 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 69 रुपीज़ में आपको मिलेगा। तो ये बात रही कुकू एफएम के बारे में। अब आफ्ताब पुनेवाला अदालत और उसकी कहानी। मैंने शायद पहले भी कहा था कि आफ्ताब पुनेवाला जब ट्रायल शुरू होगा तो अदालत में मुकर जाएगा। मैं क्या, जितने भी कानून के जानकार हैं वो भी ये बात जानते हैं। तो अब तक वो क्यों इकरार करता रहा पुलिस कस्टडी में, या फिर इधर उधर जितने भी साइंटिफिक उसके टेस्ट हुए, क्यों? यहाँ तक कि एक बार अदालत में जब उसकी पुलिस हिरासत मांगी जा रही थी, उसे कोर्ट में पेश किया गया, तब भी वो वहाँ उसने जज साहब के सामने कहा था। जज साहब ने यूं ही पूछ लिया कि तुमने मारा है, जो तुम एक्सेप्ट करते हो? उसने कहा मैंने मारा श्रद्धा को, कोर्ट के अंदर। तो फिर जब इतनी बार वो एक्सेप्ट कर चुका तो आज मुकरा क्यों? दरअसल आफ्ताब बहुत होशियार है, बोलने में तो आपने सुना ही होगा इधर उधर से, माहिर, कॉन्फिडेंट, और कानून का पूरा उसको पैंतरा मालूम है। उसने सारी चीज़ें शायद पढ़ रखी हैं और इसीलिए उसे मालूम था कि कब कहाँ कहाँ इनकार करना है और कहाँ कहाँ इकरार करना है, और उसे ये भी पता था कि कहाँ इकरार करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कहाँ इनकार करने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। पुलिस हिरासत के दौरान दिए गए बयान के बारे में उसे मालूम था कि इस बयान के जब ट्रायल शुरू होगा तो उसकी कोई अहमियत नहीं। उसे तमाम फॉरेंसिक, चाहे वो लाइट डिटेक्टर हो, नार्को हो या बाकी चीज़ें, उसे ये भी पता था कि ये रिपोर्ट अदालत में एडमिसिबल नहीं है, मान्य नहीं है, तो इनकी कोई औकात नहीं है। उसे ये भी मालूम था कि जब उसकी पुलिस कस्टडी के दौरान कोर्ट में पेश किया गया तो उन जज साहब के सामने भी जो उसने कहा कि मैंने मारा, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो जज सिर्फ पुलिस कस्टडी के लिए बैठे हुए थे, ना कि मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। असली मुकदमा जब शुरू होगा और तब उसका बयान उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, और वो पहला दिन आज था जब चार्जेस फ्रेम हुआ, अदालत में पूछा और वो साफ मुकर गया। ये उसकी इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा था, ताकि वो पुलिस की मार, पुलिस कस्टडी में जो टॉर्चर होता है, उन सारी चीज़ों से बच जाए, पुलिस उसे ज़्यादा परेशान ना करे, ऐसा लगे कि सब कुछ तो प्यार से बता रहा है। और जब जहाँ से मुकदमे की कार्रवाई शुरू होगी तब वो फिर अपना रंग दिखाए, और उसने सेम वही किया। उसे पता था कि अगर यहाँ पे आज उसने एक्सेप्ट कर लिया 302201 जो उस पर चार्जेस लगाए गए हैं, तो फिर ये मुकदमा बड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि उसका एक्सेप्ट करते ही आज ही फैसला आ जाएगा, लेकिन ये है कि खुद अदालत एक माइंडसेट एक तैयार हो जाएगी कि खुद जो मुलजिम है उसने इकरार कर लिया तो बहुत वक्त नहीं लगता, थोड़ा कम वक्त लगता और मुकदमे का फैसला आ जाता, और इसीलिए उसने वक्त खरीदा एक तरह से इनकार करके। अब उसके इनकार करने से इस केस का क्या होगा? क्या आफ्ताब बच जाएगा? क्या आफ्ताब को कम सज़ा होगी? क्या मामला लंबा खींचेगा? यही सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले, आफ्ताब आज बेशक मुकर गया, लेकिन आफ्ताब ने जो पुलिस को पूरा स्टेटमेंट दिया था वो पूरी कहानी मेरे पास है। उस कहानी 6 महीने की कहानी है। इन 6 महीने की कहानी में उसने क्या क्या कुछ पुलिस के सामने कहा, इकरार किया, पहले आपको ये सुनाता हूँ। थोड़े बहुत शब्द इधर उधर होंगे, लेकिन ये लगभग पूरी वही कहानी है जो आफ्ताब ने पुलिस को
पूछताछ में बताया। जब इंट्रोगेशन शुरू हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूछा था आफ्ताब से कि क्या तुम श्रद्धा को जानते हो, तब उसने कहा था कि हाँ श्रद्धा मेरी गर्लफ्रेंड है। और उसने ये बताया कि जब मेरी पहली मुलाकात थी वो 2019 में हुई थी और एक बम्बल ऐप के ज़रिए। फिर उसके बाद हम दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ, फिर हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। 3 साल तक हम दोनों का रिलेशनशिप चला। उसके बाद बैकपैकिंग ट्रिप के ज़रिए वो लास्ट ईयर दिल्ली आए दोनों और फिर दिल्ली में रहने लगे। तो ये उसने श्रद्धा के साथ जो उसके जान पहचान थी नहीं थी उसके जवाब में बताया। अब पुलिस ने पूछा कि अच्छा ये बताओ 2022 17 या 18 मई को क्या हुआ, याद है तुम्हें कुछ? तब उसने कहा कि 17 मई को दिल्ली के जो छतरपुर पहाड़ी इलाका है वहाँ पे उन्होंने नया घर लिया था और उस घर में ये दोनों आए थे, आफ्ताब और श्रद्धा, और उसी दिन श्रद्धा किसी और के साथ डेट पर गई थी। फिर श्रद्धा वहाँ से लौटी नहीं, उसके बाद वो किसी और के साथ अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चली गई और फिर उस रात वो आई नहीं। नेक्स्ट डे वो आई 18 मई को जब आई तो उसके बाद लड़ाई हुई कि तुम रात कहाँ थी, किसके साथ थी। फिर 18 मई को झगड़ा इस बात पे भी था कि आफ्ताब को मुंबई जाना था क्योंकि अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। उसने बताया कि अब श्रद्धा के साथ वो रिलेशनशिप में नहीं थे, हालांकि एक साथ थे लेकिन अब ब्रेकअप हो गया था। तो जो मुंबई में इन्होंने किराए का घर ले रखा था जहाँ ये दोनों रह रहे थे दिल्ली आने से पहले, उस घर में कुछ सामान पड़े हुए थे घरेलू, अब यहाँ ज़रूरत थी दिल्ली में उन सामान की। तो उसने कहा कि आफ्ताब को कि तुम जाओ, ट्रेन की टिकट भी थी बुक, और वो सारा सामान उठा कर लाओ और उस घर का जो हिसाब किताब है किराया वराया मकान मालिक से वो ख़त्म करो क्योंकि दो जगह तो किराया दे नहीं सकते। तो आफ्ताब ने बहाना कर दिया कि मैं अभी मुंबई नहीं जाऊंगा। इस बात पे और झगड़ा हुआ। फिर इसी झगड़े के दौरान बात बढ़ गई, शाम का वक्त था और बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक बढ़ गई कि फिर दोनों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद गुस्से में आफ्ताब ने कहा कि उसने श्रद्धा का गला पकड़ लिया और फिर उसका गला घोंट दिया। थोड़ी देर के बाद ही उसको एहसास हो गया था कि श्रद्धा मर चुकी है। फिर पुलिस ने पूछा कि चलो श्रद्धा मर गई, उसके बाद तुमने क्या किया? तब उसने बताया कि मैंने उसकी लाश के टुकड़े किए, लेकिन कुछ घंटों बाद उसने कहा कि एक हार्डवेयर स्टोर से वो कुछ चीज़ें लेकर आया था श्रद्धा के कत्ल के बाद, ताकि बॉडी को और लाश के टुकड़ों को डिस्पोज कर सके, फेंक सके आए। पहली रात उसने कहा कि मैंने श्रद्धा की कलाई काटी थी, उसको पॉलीथिन बैग में रख दिया और ये पॉलीथिन वो थी जो जोमेटो से उसने खाना ऑर्डर मंगाया था, खाना मंगाया था और जोमेटो ने जो पॉलीथिन दी थी उसी जोमेटो के पॉलीथिन में उसने श्रद्धा की लाश का पहला टुकड़ा रखा था। वाइट रंग की ये पॉलीथिन थी। 18 की रात को ये हुआ। फिर 19 मई को उसने कहा कि वो बहुत सारे कुछ बैग लेकर आया, बाकी सामान लाने गया, कैंची लिया, टूल लिया, रूम फ्रेशनर लिया, ट्रेस बैग्स लिया और फिर कुछ और स्टोर में गया और एक फ्रिज ख़रीदा, फिर वापस आया, लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उसको फ्रिज में स्टोर करना शुरू कर दिया। 19 मई निकल गई। फिर 20 तारीख आई, 20 तारीख को उसने श्रद्धा का धड़ काटा, फिर पेट से अंतरियों को निकाला, पॉलीथिन बैग में रखा, फिर उसको भी डिस्पोज ऑफ किया। फिर 20 मई को ही वो दोबारा स्टोर गया और बाहर जाने के बाद फिर वो किसी से मिलने के लिए भी गया, पीछे सारी बॉडी अभी घर के अंदर रखी हुई है। और जब वो बाहर किसी से मिलने गया तब उसने श्रद्धा का सिर और धड़ उसको अलग कर दिया था तब तक, और उन दोनों को भी फ्रिज में रख दिया था। फिर वो बाथरूम को उसने साफ किया और बाथरूम साफ करने के बाद वो किसी और से मिलने गया। इसके बाद धीरे धीरे उसने कहा कि मैंने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाना शुरू किया था। पुलिस ने पूछा कि क्या तुमने ठान रखा था कि तुम श्रद्धा को मारोगे, क्योंकि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था, झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, श्रद्धा किसी और दोस्त के साथ चली गई थी, तो तुमने मतलब सोच समझ कर श्रद्धा को मारा?
इसका जवाब दिया था आफ्ताब ने कि नहीं, मैंने पहले से नहीं सोचा था कि मैं कत्ल करूँगा। ये अचानक हो गया, गुस्से में हो गया, झगड़ा हुआ। और उसका ये भी था कि हम लोगों का इधर दिल्ली या फिर उत्तराखंड या हिमाचल जाने का भी कभी कोई प्रोग्राम नहीं था मुंबई में, ये भी अचानक बना था। और फिर इस घर में भी आने का कोई प्रोग्राम नहीं था महरौली के, वहाँ पे भी अचानक हो गया। यहाँ आकर मैं श्रद्धा का मर्डर करूँगा, ये भी मैंने यहाँ आने से पहले नहीं सोचा था। हाँ, इससे पहले मैं श्रद्धा के साथ बहुत लड़ा, बहुत वायलेंट हुआ, कई बार मारा पीटा, ये उसने एक्सेप्ट किया। फिर उससे पूछा पुलिस ने कि चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था ये, कैसे बताओ तुमने कत्ल किया, उसके बाद लाश के टुकड़े किए, तुमने फ्रिज में अलग रखने शुरू किए, लाश के टुकड़े कब कब कहाँ कहाँ फेंके और कैसे फेंके। उसने इसका जवाब दिया कि उसने जो सबसे पहले श्रद्धा की लाश के जिस टुकड़े को ठिकाने लगाया था वो श्रद्धा की जांग थी, थाई, और उसको उसने मेट्रो ब्रिज के पास एक जंगल है वहीं महरौली में, वहाँ उसने फेंका था। इसके बाद उसने कहा कि दूसरी जगह भी एक जंगल थी जहाँ नाला था, गटर था, फिर वहाँ पे कुछ बॉडी पार्ट्स को मैंने दफनाया था ताकि ओपन में रखूँ, तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं सामने ना आ जाए। एक तो वो निरोला आइसक्रीम ब्रांड है, उसके पास ही एकदम उसने एक बॉडी पार्ट्स को ठिकाने लगाया था। फिर इसने उसी के आसपास जो इलाके थे, जो बॉडी के मेन हिस्से थे, सब उसी महरौली के जंगल के इर्द गिर्द ही वो फेंकता रहा। एक उसने जगह के नाम बताए थे कि धान मिल कंपाउंड की दीवार थी जहाँ पर उसने श्रद्धा का एक अंगूठा फेंका था। और ये सारी चीज़ें बाद में उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बरामद भी की। अब ये था कि ये सब कुछ तुमने अकेले किया, तब श्रद्धा को मारा भी अकेले, लाश के टुकड़े भी अकेले किए, फिर अकेले ही निकल जाते थे टुकड़ों को ठिकाने लगाने। तो उसने ये बार बार कहा कि इसमें मैं सिर्फ मैं शामिल हूँ और कोई नहीं है, ये सब मेरे अकेले का किया धरा है। अब ये था कि जिस तरीके से उसने लाश के टुकड़े किए और जिस तरीके से वो प्लानिंग के साथ लाश को ठिकाने लगा रहा था, तो इसका आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से, कहीं गूगल से सर्च किया, कहीं और से, किसी से जानकारी मिली, किसी फिल्म से, किसी सीरियल से। उसने कहा मुझे खुद आइडिया नहीं था और मैं दिल्ली के बारे में भी अनजान था और मैंने कोई सर्च नहीं किया नेट भी कि कैसे बॉडी को ठिकाने लगाना है। हाँ, पर उसने कहा कि मैंने ये ज़रूर पता किया था कि बॉडी काम कैसे करती है, कितने दिन में ख़राब हो जाती है, कब गलना शुरू होती है, कब सड़ना शुरू होती है, तो ये मैंने ज़रूर जानकारी ली थी और इसी हिसाब से मैं ठिकाने लगाता था। जब उसके बताए हुए जगहों से लाशें मिलनी शुरू हो गई टुकड़े, तो पुलिस ने फिर उससे पूछा था, कैसे बताओ कि तुम मानते हो कि तुमने श्रद्धा को मारा है, क्लियर कट सवाल था ये। आफ्ताब ने उस वक्त जवाब दिया था, आज बेशक कोर्ट में मुकर गया, उसने कहा श्रद्धा का कातिल मैं ही हूँ, मैंने ही श्रद्धा का कत्ल किया है। और उसने ये भी कहा था तब कि मुझे इसका पछतावा है, मुझे इसका अफसोस है। पर साथ ही फिर उसने एक बार कहा कि मेरे अलावा इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, अगर इस कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाने की जानकारी किसी को थी तो वो इकलौता मैं था, मेरे अलावा किसी को नहीं था। फिर उससे पूछा गया था कि अच्छा ये बताओ कि तुमने सर और धड़, दो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो कहाँ पर फेंका था। तब उसने दोबारा बताया कि मैंने जंगल में एक, वही महरौली के जंगल के पास एक मार्केट है, वहाँ पे एक फ्लावर मार्केट है, वहाँ से करीब 300 मीटर दूर एक एंट्रेंस है, उस जगह पर जाकर फेंका था। वही एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग अक्सर अंदर दाखिल होते थे, सर, और जबकि उसका जो धड़ है और सर दोनों थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने उनको ठिकाने लगाए थे। जिस हथियार से उसने लाश के टुकड़े किए थे, आरी, वो कहाँ है, तो उसने बताया था कि वो आरी जो है एक मेट्रो लाइन जो है उसी के किनारे उसने एक जगह पर उसको ठिकाने लगा दिया था। और श्रद्धा का मोबाइल, उसने कहा जब वो उसके बाद मुंबई गया था कुछ महीने बाद, तब तक वो मोबाइल रखे हुआ था, तो मीरा भयंडर की खाड़ी में फेंक दिया था मुंबई जाने के बाद, ताकि उस खाड़ी से कभी मोबाइल मिले ही नहीं। उससे पूछा गया तुमने सब, आज तो कोर्ट में मुकरा, लेकिन जब तुमने किया तो कभी तुम्हें डर नहीं लगा कि तुमने एक तो ऐसा काम किया पकड़े जाओगे तो क्या होगा। तो उसने कहा शुरू में मुझे कोई डर नहीं लगा, लेकिन थोड़ा सा मैं नॉर्मल नहीं था, लेकिन फिर मुझे खुद लगने लगा था कि मैं कुछ दिन कुछ महीने शायद इन चीज़ों को छुपा लूँ, खुद को छुपा लूँ, बच जाऊँ, लेकिन एक ना एक रोज़ भांडा फूटेगा और मैं पकड़ा जाऊँगा।
उससे पूछा था ये भी उस वक्त, कैसे ये बताओ कि तुम सारी चीज़ें इतनी आसानी से क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो श्रद्धा को मारने के बाद, कि मैंने मारा, मैंने काटा, यहाँ फेंका, वहाँ फेंका, यहाँ से सामान लिया, आखिर इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? तो उसने कहा था कि मुझे इस बात का एहसास है कि जब मैं पकड़ा जाऊँगा तो मैं बच नहीं पाऊँगा, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं अगर एक कड़ी खुल गई तो सारी कड़ियाँ जुड़ जाएंगी और वो सारी चीज़ें मेरे खिलाफ़ जाएंगी, सारे सबूत मेरे खिलाफ़ जाएंगे और वो एक पुख्ता केस बन जाएगा। तो इसलिए झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और कब तक झूठ बोलकर मैं बचूंगा, तो इसलिए मैं ये सब कुछ सच बता रहा हूँ। और उसने ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर जेल है। ये वो सारे बयान हैं जो उसने दिल्ली पुलिस को दिए, सारी चीज़ एक्सेप्ट कर ली। ये भी कह रहा मुझे मालूम था कि पकड़ा जाऊँगा, ये भी कह रहा एक कड़ी खुल गई तो इसके बाद फिर मेरा बचना आसान नहीं होगा, सारे राज आ जाएंगे, पुलिस को सारे सबूत मिल जाएंगे। लेकिन अब 6 महीने के बाद वही आफ्ताब पूनावाला आज कोर्ट के अंदर मुकर गया। अब सवाल है कि इस बयान का क्या मतलब है जो उसने सारे एक्सेप्ट किए थे। तो अगर कानून की नज़र से देखें, जो मैं शुरू से कह रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हर क्रिमिनल यही करता है, जब वो पुलिस कस्टडी में होता है, जब तक जेल नहीं जाता जुडिशल कस्टडी में, कोशिश करता है कि पुलिस को गुमराह करे और जल्दी से जल्दी उनसे अपना पीछा छुड़ाए, उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेगा, ऐसा लगेगा कि सब सच बोल रहा है। और उसने ये सब किया भी, थोड़ा शुरू में घुमाया, लेकिन फिर जहाँ जहाँ लाश के टुकड़े थे वहाँ वहाँ पुलिस को ले गया, उन सारी चीज़ों को दिखाया, उसके बताए जगहों से वो लाश के टुकड़े बरामद भी हुए। लेकिन होशियार इतना था कि उसे कानून की पूरी जानकारी थी, वो पढ़ता लिखता था पूरा कि कब कहाँ क्या कहने का क्या मतलब होता है, और इसीलिए वो सब कुछ बोलता गया और इंतज़ार कर रहा था ट्रायल कब शुरू होगा। आज जैसे ही ट्रायल का पहला दिन जब चार्ज फ्रेम हुए, अब अभी हालांकि मुकदमे की अभी अब शुरुआत होगी, विटनेस आएंगे, सबूत रखे जाएंगे, क्रॉस एग्जामिन होगा, लेकिन आज तो सिर्फ चार्जेस फ्रेम उसको बताया गया और पहले दिन उसने अपना असर और रंग दोनों दिखा दिया कि मैं इनकार करता हूँ इन सारे चार्जेस से, मैं बेकसूर हूँ। तो ये उसका एक पूरा पहले से प्री प्लान एक गेम था कि कब कहाँ बोलना है और कब कहाँ मुकरना है, और आज उसने मुकर के ऐसे ही किया। हालांकि ये जो पुलिस को उसने सारे बयान दिए जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, इसकी कानूनी अहमियत नहीं है, इसलिए कि आप सभी जानते हैं कि पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान अदालत में मान्य नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आफ्ताब बच जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। आप किसी भी कानूनी जानकार से पूछेंगे तो यही बताएगा, उसने बेशक पुलिस कस्टडी में यह बयान दिया, अपने जुर्म का इकरार किया, लेकिन उसके बयान के आधार पर उन जगहों से, महरौली के जंगलों से लेकर गुरुग्राम के उन मेट्रो लाइन और उसके बाद ज़मीन खोद कर भी कुछ लाश के टुकड़े निकाले गए, ये उसकी निशानदेही पर निकाले गए हैं। मतलब ये सीधे सीधे एक बेहतरीन और ये भी कहें कि सॉलिड प्रूफ है, पुख्ता सबूत है कि इस कत्ल में वो शामिल था, क्योंकि उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो सारे लाश के टुकड़े बरामद किए जो बाद में DNA से मैच कर गए, जो श्रद्धा के निकले। तो अगर किसी और ने किया होता और ये बेकसूर था तो फिर लाश के टुकड़े वहाँ वहाँ से नहीं मिलते जहाँ जहाँ से वो बता रहा था। और बाकायदा पुलिस जब जब उसको लेकर गई, इसकी वीडियोग्राफी भी हुई है, तो ये भी नहीं मुकर सकता। तो एक तो उसके निशानदेही पर इन टुकड़ों का मिलना, दूसरा उसका मुंबई से दिल्ली आना, दिल्ली में श्रद्धा के साथ रहना, इसके टेक्निकल आपके CCTV बाकी सारे पुख्ता सबूत मौजूद हैं, दोनों के रिश्ते, लड़ाई झगड़ा, उसका बैकग्राउंड, उसकी कहानी मौजूद है। तो वो सारी चीज़ें सिर्फ इस बयान के आधार पर नहीं, इस बयान को हटा भी दें तो हर एक सबूत, हर एक गवाह, हर एक कहानी आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ है, इसलिए उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, कोई चांस नहीं। सिर्फ सवाल यहाँ पर ये है कि जो मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा ये कितना लंबा चलेगा? चार्जेस फ्रेम हो गए, अब ट्रायल शुरू होना है, तो क्या ये ट्रायल डे टू डे बेसिस होगा, यानी कि हर दिन इस मुकदमे की सुनवाई होगी ताकि जल्दी फैसला हो, या इस ट्रायल में पहले से ये होगा कि एक टाइम फ्रेम होगा कि आप 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के अंदर अपना फैसला सुनाइए, या फिर ये होगा कि इस ट्रायल को सीधे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वहाँ भेज दिया जाएगा ताकि आप इसको फटाफट फैसला सुनाएं। मुझे लगता है कि तीनों में से जो भी ऑप्शन चुना जाएगा, पर एक चीज़ यकीनी है और सही है, और वो ये किस मुकदमे का फैसला बहुत जल्दी आएगा। मुझे लगता है कि अगर इसी साल 2023 के एंड तक भी आ जाए तो कोई हैरान की बात नहीं है, हैरानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखना यही है कि कब तक आता है, क्योंकि इसमें विटनेस हैं, बाकी चीज़ें हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होता है। लेकिन हाँ, जो सरकार से लेके बाकी तमाम लोगों ने पहले कहा था और दिल्ली पुलिस ने खुद ये वादा किया है
कि वो इसका फैसला जल्द से जल्द कराएगी, तो मुझे लगता है 5-6 महीने 9 महीने 8 महीने इसके अंदर अंदर इसका फैसला आ जाना चाहिए। निर्भया का भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 9 महीने के अंदर फैसला सुना दिया था, तो इस केस ने तो पूरे देश को भी झकझोर कर रखा था। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि फैसला जल्दी आएगा, और इस पैतरे से जो आपताब पूनावाला ने आज कोर्ट के अंदर दिखाया, बहुत ज़्यादा इस केस के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट का क्या फैसला होगा शायद ये हम सब जानते हैं। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले नंद किशोर वर्मा जी, आज इनका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे नंद किशोर जी, और सावन कुमार जी के ये पिता हैं। रतन सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रतन सिंह जी, और ओम प्रकाश स्वामी ने भेजा। इसके अलावा जसप्रीत कौर गिल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जसप्रीत जी, और श्रीनिवास बिश्नोई ने भेजा है। साथ ही सुमन एंड निर्मल, इन दोनों की आज एनिवर्सरी है, तो सुमन जी और निर्मल जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई मुबारक। और ये मीना जी ने भेजा है जयपुर से। इसके अलावा सीमार बोहरा, इनकी बेटे और बहू की एनिवर्सरी नाम इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन सीमार बोहरा जी, उन दोनों को बहुत बहुत विशेष मुबारकबाद, ज़रूर आप उन तक मैसेज कन्वे कर दीजिएगा। साथ ही आज सूरज छेत्री तेल अवीव से हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है, इंटरेस्टिंग सवाल है इनका। सूरज छेत्री जी पूछते हैं, दो सवाल है, पहला सवाल ये है कि एक शख्स को फांसी दी जानी है, हालांकि इसके बारे में शायद मैं पहले ही बता चुका हूँ, और अचानक वो बीमार पड़ जाए, हाथ पैर टूट जाए, तो क्या ऐसे में फांसी टल जाती है? कानून तो ये कहता है कि एक हट्टे कट्टे और स्वस्थ इंसान को फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन ये मैंने पहले भी बताया कि एक कैदी जिसको सुबह फांसी होनी है और रात को बुखार चढ़ गया, आमतौर पर मौत का खौफ ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों को बुखार चढ़ जाता है, तो उसमें फीवर आना कोई बुरी मतलब अजीब बात नहीं है। तब उसका बदन तप रहा है, बुखार आ गया है, सुबह फांसी देनी है, कुछ बंडे बाकी हैं, तो कानून कह रहा है कि भैया उसको तो बुखार है, टाल दो। अब सवाल यह है कि उसका बुखार नापेगा कौन और बताएगा कौन? जेल की चार दीवारी के अंदर सारी चीज़ें सारे आपस में तय कर ले, ये बात तो बाहर जानी नहीं है, तो फिर क्या बुखार, कितना बुखार, किसको पता चलता है? वो लटक जाएगा। हाँ, कोई बहुत गंभीर बीमारी है, वो अस्पताल में इलाज चल रहा है और सबको पता है कि उसको ये बीमारी है, ऑपरेशन होना है, और उसके बाद इतने तारीख को फांसी भी है, ऐसे वक्त में फांसी टाल दी जाती है कि वो एक बार स्वस्थ हो जाए, लेकिन अपने देश में अभी तक कोई ऐसा केस आया नहीं है सामने। दूसरा, इन्होंने पूछा कि ये डॉक्टर के हैंड राइटिंग हमेशा इतनी ख़राब क्यों होती है प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त? तो सूरज छेत्री साहब, ये तो मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया। एक तो शायद वजह ये भी है कि एक डॉक्टर एक साथ बहुत सारे पेशेंट को देखते हैं, अब अगर खूबसूरत हैंडराइटिंग में सारी दवाओं के नाम लिखना शुरू करेंगे तो शायद उसमें बहुत वक्त लगेगा, तो उन्हें एक आदत सी हो जाती है कि एनासिन से लेके विटामिन सी और डी क्या लिखना है, तो उसी स्टाइल में। और कमाल की बात यह है कि उनकी हैंडराइटिंग शायद या तो वो लिखने वाला खुद डॉक्टर जानता है, या उन उस जहाँ पर वो बैठते हैं उसके इर्द गिर्द के जितने भी केमिस्ट शॉप है, दवा की दुकान, वो लोग पहचान लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं। और यह हैरत की बात है कि वो क्यों पकड़ते हैं, हो सकता है ये भी कि चूंकि बार बार वही प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो इनको इनका ये भी कहना है कि एक बार ऐसा भी हुआ कि इसी चक्कर में कोई गलत दवा खरीद ली गई और उससे पेशेंट को और उल्टा असर हो गया, तो ये होता है, लेकिन ये कॉमन है, कई बार मुहावरे में भी इस्तेमाल होता है कि डॉक्टर हो क्या जो इतनी गंदी हैंड राइटिंग है। तो अब दोनों तरफ अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये सवाल है अपने आप में कि डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग इतनी ख़राब क्यों होती है, कुछ मेरे डॉक्टर दोस्त हैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। के संघेरा, और इन्होंने पूछा वो चूहे के एक मर्डर का केस का क्या हुआ, तो अभी कोई अपडेट नहीं है, मामला कोर्ट में है, चार्जशीट दाखिल हो गई है, जैसे ही कुछ होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये एनिमल लवर भी हैं संघेरा साहब। सुनील संचेती, इन्होंने कश्मीरी पंडित के ऊपर कहानी सुनाने के लिए कहा, और सुनील साहब ये मैं बहुत पहले सुना चुका हूँ, क्राइम तक की लिस्ट में आपको मिल जाएगी। सुमित नायकारे, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है और ये कनाडा से हैं। देवेंद्र सिंह राठौड़, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। मनोज लुखार पोलैंड से, थैंक यू सो मच मनोज भाई। इसके अलावा कमल साहू, इन्होंने एक स्टोरी की फरमाइश की है, और नहीं, उन्होंने पूछा है कि एक स्टोरी सुनाने में आपको कितने घंटे कितनी मेहनत लगती है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक अगर मेरे अपनी सब्जेक्ट की स्टोरी है, यानी कि जिसे मैं कवर कर चुका हूँ, जिसको मैं जानता हूँ, तो जहन में बिल्कुल ताज़ा है, उसको सुनाने के लिए मुझे कोई रिसर्च कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आऊँगा बैठूँगा और बोलना शुरू कर दूँगा। जैसे अभी जो दो सैटरडे लास्ट स्टोरी सुनाई है
वो मेरे लिए बिल्कुल कुछ नहीं था। जितनी देर आपको बोला समझिए कि बस उतनी ही देर मेरा काम था, उसमें कोई रिसर्च कुछ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व था। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज, सबसे ज़्यादा मेहनत उस स्टोरीज में करनी पड़ती है मुझे जो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसे कल की स्टोरी थी मणिपुर की, मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है, अब कायदे से ये क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता है, मतलब एक क्राइम जर्नलिस्ट के लिए। ये पॉलिटिकल भी है कि मणिपुर कब बना है, क्या बना है, कितनी आबादी है, कितना एरिया है, वहाँ कौन सी जनजाति जातियाँ रहती हैं, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या, तो इन चीज़ों को आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। तो मणिपुर की कहानी कल ही मैंने पढ़कर और कल ही आपको नहीं सुनाई, बल्कि मैं किस्तों में पिछले 3-4 दिनों से इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि शायद ये कहानी मुझे सुनानी चाहिए और सुनो के बहुत सारे लोगों के मेल आ रहे थे, तो मैं लगातार पिछले 3 दिन से पढ़ रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसी स्टोरी जिसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और मैं गलत भी नहीं जानकारी दे सकता हूँ क्योंकि आप तो पता है मुझे कि मैं यामा पे था या स्प्लेंडर पे, ये भी पकड़ लेते हैं आप लोग तो बहुत ज़िम्मेदारी का काम हो जाता है। तो ऐसी स्टोरीज में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और बाकी जो है उसमें एवरेज आप मान के चलिए रिसर्च विसर्च करने में आपकी आराम से सोच वाला टाइम हटा दूँ तो भी 3-4 घंटे तो लग जाते हैं, और सोच का तो कोई पैमाना ही नहीं है, वो तो आप उठते बैठते खाते पीते सोते आप हर वक्त सोचते रहते हैं। इसके अलावा प्रथम गौतम, इन्होंने पूछा है लखनऊ पबजी केस का अपडेट, उसमें इत्तफाक से सच में कोई अपडेट नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, लेकिन आगे क्या होगा मैं इसको ज़रा कुरेदता हूँ और निकालता हूँ, एक आध दिन में आपको बताता हूँ। रोहन कुमार, इन्होंने एक सवाल पूछा है, इस पर मैं अपनी राय पहले भी दे चुका हूँ कि न्यूज़ चैनल में जो डिबेट शो होता है भाई हिंदू मुस्लिम धर्म ये नफरत, तो आपकी राय क्या है? तो मैं अपनी राय बता चुका हूँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो सकती हैं न्यूज़ चैनल में। शिव थापा नेपाल से हैं, फिलहाल राजकोट में हैं, थैंक यू सो मच शिव थापा आपकी इस मोहब्बत के लिए। तो कहानी में आज इतना ही, और अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऑडियो बुक में आप तमाम तरह की ऐसी कहानियां सुन सकते हैं, और क्राइम तक फैमिली के लिए खास ऑफर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, Crime30 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 30% डिस्काउंट पाएं। 99 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन है पहले मंथ के लिए आपको 69 रुपीज़ में मिलेगा, तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएँ। फिलहाल कहानी में इतना ही, मिलेंगे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।